तेजी से बढ़ रहे साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने लगातार प्रयास कर रही साइबर पुलिस, लोगों में जागरूकता की कमी से बढ़ रहे अपराध। इंटरनेट पर बढ़ती निर्भरता ने एक तरफ जहां लोगों के जीवन को आसान बनाने का काम किया है, तो दूसरी ओर लगातार साइबर अपराधों में बढ़ोतरी भी की है। अगर रीवा शहर की बात करें तो यहां एक दिन में 8 से 10 मामले साइबर अपराध के देखने को मिलते हैं, जिसमें फेसबुक और नौकरी के नाम पर ठगी जैसे प्रकरण शामिल होते हैं। साइबर अपराधों की प्रमुख वजह होती है जागरूकता का अभाव। ATM या किसी और जगह जब हम किसी अनजान व्यक्ति से अपनी पर्सनल जानकारी शेयर करते हैं, वहीं से साइबर अपराधों को बढ़ावा मिलता है। साइबर अपराध के मामले में हमारी सतर्कता ही हमारा बचाव है। ऐसे अपराधों में हम जितनी जागरूकता के साथ रहेंगे, अपराधों में कमी कर पाएंगे। साइबर अपराधों पर रीवा दर्शन की टीम ने साइबर सेल प्रभारी से बातचीत कर साइबर अपराधों से बचाव के तरीके पूछे, जिसकी मदद से आम आदमी भविष्य में होने वाली समस्याओं से खुद को बचा सके। साइबर से रिलेटेड हमारे यहाँ पर डे मान के चलिए कि फेसबुक के 2 से 4 मामले और जॉब फ्रॉड, OTP फ्रॉड, इनके भी 2-3 मामले जो है अपने यहाँ आ ही जाते हैं। लगभग 8 से 10 केसेस अमूमन जो है वर्किंग डे में आ जाते हैं अपने पास। और ATM के तो अभी बंद है, जब से ATM की लोगों पकड़ा गया है हमारे यहाँ रीवा में, लोगों ने पकड़ा था, जब से तो बंद है। और अपनी यही कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा मामलों को, क्योंकि जो साइबर संबंधी अपराध होते हैं, अगर उसमें अपन डिले करते हैं तो उसमें क्या है कि जो अपराधी है उनके मिलने की संभावना उतनी कम होती चली जाती है। तो अपनी कोशिश यही रहती है कि त्वरित कार्रवाई करके उनको जल्द से जल्दी पकड़ें। आम आदमी को साइबर क्राइम से बचने के आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? सबसे बड़ी बात तो साइबर क्राइम से तभी बचा जा सकता है जब आप जागरूक हैं। जैसे कि ATM संबंधी जितने भी फ्रॉड होते हैं, उसमें हम अपनी व्यक्तिगत जानकारी जो ATM की होती है वो खुद ही शेयर कर देते हैं किसी अननोन पर्सन से, जैसे कि अपना OTP बता देना, CVV कोड या कार्ड नंबर बताना। तो सबसे पहले तो अपना जो भी पर्सनल डेटा है वो हमें किसी अननोन पर्सन को नहीं बताना है, क्योंकि बैंक भी हमें यही सलाह देती है कि कोई बैंक कर्मचारी भी हमसे ऐसी कोई जानकारी नहीं चाहता जो कि अपने पर्सनल डेटा हो। और जॉब फ्रॉड में ये है कि हमें लालच भी नहीं आना चाहिए कि जैसे कोई कॉल आई कि आपको इतने का पैकेज मिल रहा है, आप हमारी कंपनी ज्वाइन करिए, और हम क्या है उनके चंगुल में फंस जाते हैं और उनके कहे अनुसार हम उनको पैसे देते रहते हैं और लास्ट में पता चला कि सब फेक और गिफ्ट का लालच हुआ। और अगर कोई ऐसी घटना होती है तो जितनी जल्दी हो सके हमें पुलिस को बताना चाहिए, क्योंकि जितनी जल्दी हम पुलिस को बताएंगे उतनी संभावना ये रहती है कि आपके पैसे रिकवर हो जाएं। अदरवाइज अपराधी तो मिल जाएगा देर सवेर, पर पैसे मिलने की संभावना कम होती है।